तो हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता आपके सामने एक बार फिर मैं आज जीएसटी के तहत आपको ये बताऊंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है इसको हम जान लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब टैक्सेबल वैल्यू ले लेंगे, फिर उसके और क्या उसमें ऐड करेंगे, कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर कर रहे हैं गुड्स और सर्विस की तो उसको भी हम ले लेंगे, साथ ही साथ अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विस तो उसको भी ले लेंगे। उसके बाद कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी हम ऐड करते हैं। तो हमारे सामने क्या आया कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट कोई हो रहा है गुड्स और सर्विस, और कोई इंटर स्टेट सप्लाई है, तो चारों चीज़ों को मिलाकर हम एग्रीगेट जब ऐड करेंगे तो जो टोटल आएगा उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। हमें जब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराने की जब जरूरत पड़ती है तो हमें पैन बेसिस पर ये चेक करना पड़ता है कि आपकी टर्नओवर 20 लाख तक है या नहीं है। तो वहाँ पर जब आप कभी भी रिटर्न फाइलिंग करने जाते हैं या कोई भी जीएसटीआर फाइल करने जाते हैं जब फर्स्ट टाइम, तो आपको पूछता है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था पिछले अप्रैल टू जून और पिछले साल की टर्नओवर क्या थी। तो उस समय आप ये एग्रीगेट टर्नओवर बताते समय इन चारों चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। आगे चलते हैं, आपके सामने जो है ये चीज़ आ गई कि एग्रीगेट टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर। तो आपके सामने हम बता दें कि जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो उस समय हम एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल वैल्यू लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो भी टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स और सर्विस की वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ले लेंगे, कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको ऐड करेंगे, फिर इंटर स्टेट सप्लाई। तो चार चीज़ों को हम आपको बता चुके थे पहले भी, यहाँ पर भी देखिए कैलकुलेट करते समय बता रहा है कि कौन कौन से वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। अब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी है, देखिए कोई भी टैक्स आप ऐड नहीं करेंगे, कोई टैक्स ऐड नहीं करेंगे, कोई भी इनवर्ड सप्लाई अगर कर रहे हैं तो उसको ऐड नहीं करें, बोले तो परचेज, कोई भी रिवर्स चार्ज की अगर कोई वैल्यू है तो उसको भी आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी रिवर्स चार्ज की अगर वैल्यू सप्लाई होती है उसको भी ऐड नहीं करेंगे, और कोई नॉन जीएसटी गुड्स है जैसे पेट्रोल, अल्कोहल है, इन सब चीज़ों को भी ऐड नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस कोई भी टैक्सेबल सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई को ऐड करेंगे, कोई भी टैक्स ऐड नहीं करेंगे जीएसटी, सीएसजी या आईजीएसटी, कोई भी इनवर्ड सप्लाई है उसको माइनस करेंगे, कोई भी रिवर्स चार्ज की सप्लाई है उसको भी माइनस करेंगे, और नॉन जीएसटी गुड्स है, नॉन टैक्सेबल गुड्स कोई है तो उसको भी हम माइनस करेंगे। तो इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे सामने टोटल जो नीचे नेट आएगा वही हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम ऐड नहीं करते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई टैक्स जो है हम ऐड नहीं करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, कोई टैक्स ऐड नहीं करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और कोई भी रिवर्स चार्ज भी हम ऐड नहीं करते हैं, कोई भी अगर रिवर्स चार्ज की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं और उस पर कोई टैक्स पेबल होता है उसको भी हम माइनस करते हैं, कोई भी इनवर्ड सप्लाई अगर होती है उसको भी माइनस करते हैं, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर कोई है, अल्कोहल हुआ, पेट्रोल हुआ, पहले ही बता चुके हैं, तो इसको भी हम ऐड नहीं करते हैं। तो आपको बहुत सिंपली भाषा में एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना कैसे है मैंने आपको बता दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और मेरा नंबर है 8896126395।
थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।